के बाद आता है रैशनलाइजेशन इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेजम सॉरी यहाँ पे साइकोलॉजिकल आएगा इन विच अ पर्सन मेक अनएक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेस फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इसके अंदर क्या होता है कि हम अनएक अनएक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेस बनाते हैं ठीक है ए पर्सन हु फेल्स इन द एग्जाम मेक कंप्लेट दैट द हॉस्टल इनवोमेंट इज नॉट फेवरेबल जैसे हम अगर कोई स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाता है तो वो इस बात को ब्लेम नहीं करेगा कि वो स्टडी नहीं कर पाया ये इस बात को ब्लेम करेगा कि हॉस्टल का इन्वॉर्मेंट अच्छा नहीं है मतलब कि वो अनएक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेज देगा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन फिर आता है नाइन्थ प्रोजेक्शन ट्रांसफर द ब्लेम ओन टू अदर्स ऑन देयर ओन मिस्टेक इसके अंदर क्या कहते हैं कि हमारी खुद की मिस्टोक मिस्टेक होती है उसको एक्सेप्ट करने के बजाय हम दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट अगर एग्जाम के अंदर चीटिंग करता है वो पकड़ा गया है तो वो अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करेगा बल्कि ये कहेगा कि दूसरे भी चीटिंग कर रहे हैं इसे कहते हैं प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन द रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जैसे कि हमने पिछली बारी में पढ़ा ये था सब्प्रेशन ये सब्लीमेशन है ये है सब्प्रेशन इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन द रिप्लेसमेंट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जैसे कि अगर हम बड़े लेवल का कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हमें पता है कि हम उस लेवल तक काम नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करते हैं कि उस हम अपने लेवल का काम स्टार्ट करते हैं जैसे जो हम कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे ए स्टूडेंट हु इज़ नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन एम बी एस कोर्स मे ट्राई टू सब्सटीट्यूट इट विद द कोर्स ऑफ नर्सिंग ठीक है सब्सटीट्यूशन मतलब सब्सटीट्यूट कर देना जैसे हम अगर एम बी बी एस नहीं कर पा रहे तो हम नर्सिंग कर लेंगे या फिर ऐसा कोई और मेडिकल कोर्स कर लेंगे ठीक है इसके बाद आता है कंपनसेशन कंपनसेशन क्या होता है इट इज़ ए पैटर्न ऑफ एडजेक्टिव बिहेवियर एडजेक्टिव बिहेवियर का पैटर्न है इन विच इंडिविजुअल मेक एफर्ट टू ओवरकम डेफिशंसी इसके अंदर क्या होता है जो हमारे जो हम इंडिविजुअल हैं वो बहुत एफर्ट करते हैं कि हम अपनी डेफिशियंसी से बाहर आ सके ठीक है बाय डिवाइडिंग द एनर्जी टू अदर एस्पेक्ट जैसे हम अपनी एनर्जी को डिवाइड करते हैं दूसरे एक्सपेक्ट में ऑफ वंस पर्सनैलिटी विच इज़ नो डेफिशिएंसी एग्जिट टू गेन सोशल अप्रूवल ऐसे समझ में आएगा सेकंड सेकेंड डेफिनेशन पढ़ते हैं कंपोजिशन क्या होता है एन अटैम्प्ट टू मेक अप फॉर डेफिशेंसी बाय डायरेक्टिंग हिज एनर्जी टू अनदर एस्पेक्ट कि अगर हम अपनी डेफिशेंसी से बाहर नहीं आ रहे या फिर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अब जो अपनी एनर्जी है वो कहीं और लगाने की कोशिश करेंगे ठीक है ताकि जो हमारी जो डेफिशेंसी है वो एग्जिट हो सके जैसे कि ए पर्सन इज नॉट गुड एक्ट एथलीट सो ही पुट्सिंग एन अकेर अगर कोई एथलीट नहीं बन पा रहा है तो वो ये है कैरेक्टर डिफेंस मैकेजम के ये अनकॉन्शियस होता है डिस्टिंक होता है डायनेमिक होता, होता है इससे हम अपने जो फीलिंग्स है उसको ड्राइव कर पाते हैं हमारी एनजाइटी को रिड्यूस करता है ओके okay? और हमारे जो खुद की प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी हेल्प करता है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करता है आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग